What's up, Londo? Welcome back to our channel, Xenozone, guys. आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे Clash of Clans game के साथ. भाई हमारे सारे के सारे ट्रूप्स तैयार एकदम खा पी के मौज मस्ती रख. भाई भंगड़ा पाके इनसे गिद्धा करवा दिया है मैंने. अब जैसे ही जाएंगे युद्ध के ऊपर भाई साहब यह कैसे डरेगा भाई. वो आए सनीपाजी कसम, वो आए दूसरे बेस में क्या हो रहा है सनीपाजी. यहाँ भी हम लोगों का काम धड़ाधड़ चल रहा है. हालांकि हम लोगों को अभी थोड़ा बेस का डिजाइनिंग वगैरह ठीक करनी है, लेकिन कोई बात नहीं. फिलहाल तो यहाँ पर हम लोगों का जो भी सबसे क्रूशियल टास्क है वो है यार ये टाउन हॉल बनना. हम लोग का जो ये बैरक्स है इसको अपग्रेड करना, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी. तो भाई स्टार्टिंग करते हैं गरम गरम मेटल के साथ. गाइस लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए. फुल ऑन धमाकेदार प्यार एंड सपोर्ट बरसाइए. हर दिन डिफरेंट डिफरेंट गेम की वीडियोस को एंजॉय करने के लिए ले सकते हैं साथ में आप लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप्स, सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर देके भी आप लोग कर सकते हैं हम लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट फटाफट से. मेरी जान आ चुके हैं दुश्मन के बेस से. शुरुआत करते हैं आज के पहले बैटल की. मेरी स्ट्रेटेजी यहां पर मैं सोचता हूं फटाफट से. एक यहां एक आर्चर वहां. एक काम करते पहले हम लोग आर्चर तोड़ते हैं. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भाई मेरा जो स्टाइल रहता वो रहता हमेशा तोड़म तोड़ी करने का. जो लोग हम आ रहे हैं यहाँ पर भाई ओजी व्यूअर्स है, ओजी सब्सक्राइबर्स है, वो जानते हैं कि जब मैं खेलता था यहाँ पे क्लैश रॉयल तो उसमें भी भाई साहब मैं अंधाधुन ऐसी बारिश करता था. सामने वाला रैम मतलब कांप जाता था मेरे भाई, सहम जाता था. मैं अपनी मम्मी की गोद में जाकर रोता था कि मम्मी जीना भैया कुत्ता बना दिया. बिकॉज उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर भी एक नया इतिहास रचना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे बोले कि एक ऐसा लौंडा आया था जीनो नाम का, जो कि भाई स्ट्रेटेजी की मावे नेक कर देता था. मतलब अपना हिसाब से खेलता था भाई साहब, तोड़ तोड़ी करा देता था एकदम. तो मैं यहाँ पर घुस घुस के मारूंगा, उठा उठा के बेल दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा. अब क्योंकि हम लोग यहां तक आए हैं तो बिल्डर्स वाले बैटल की ओर भी जाना ही पड़ेगा. कमोड़ वादा पेश किया जाए हमारे सामने एक बेहतरीन गर्मा गर्म क्लासिकल बैटल. अबे पीके आता है गेम प्ले खेलने साले. डंडा कहाँ है मेरा, चप्पल कहाँ है, दिया जरा ना मारा. सब्जी ना खाई जा रही है, दूध रोटी ना पिया जा रहा. आर्चर यहां पर है, हमको कुछ ऐसा हिसाब करना है कि हमारे सबसे पहले इस आर्चर को ही तोड़ना है. तो अगर मैं यहां पर जॉइंट भेज दू तो जॉइंट सीधा जाके इसको तोड़ सकता है ऐसा मुझे लगता है. आ जाओ यही करेंगे, आ जाओ. अबे गधा निकला ये तो यार. अबे जब मैंने तेरे को छोड़ा उसके बाद तो दीवार तोड़ के नहीं सकता. अबे यार क्या पागल है. अबे दीवार क्यों नहीं तोड़ी तूने. यार कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये डायरेक्टली दीवार तोड़ते हैं फिर आर्चर को मार देते हैं, और कभी कभी ये घूम के आते हैं. भाई ये क्या बात हुई. मतलब कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि मैं टैप अगेंस्ट से बताऊं कि मैं चाहता हूं कि तू इस पे हमला कर, तू इस पे हमला कर, तो मज़ा भी आएगा यार. ये अपने हिसाब से घूम रहे हैं, अपने हिसाब से भाग रहे हैं भाई साहब, क्या बदतमीजी है.
क्या हो रहा है बबलू जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे तो भाई यहाँ पर बहुत दिक्कत होगी, पर क्या करे, करना तो पड़ेगा। दुश्मन की बजाना है तो भाई साहब दबा के बजाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर रिसर्च लगा रखी हम लोगों की जायंट की यूनिट, ताकि हम लोगों के जायंट्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। प्लस यहाँ पे भाई कोई हमारे भी बेस पे हमला कर रहा था। मैं तुम्हारी मारू तुम मेरी मारो, मतलब मैं तुम्हारे बेस से मारू तुम मेरे बेस से मारो। मैं कोई बात नहीं बेटे, चेक करके आते हैं जरा क्लैन बॉय का इस समय क्या है हाल। देखो एक चीज तुम्हें पता है यहाँ पे कि इनकी दीवारें बहुत मोटी वाली हैं, पर मुझे लगता है कि इसका बेस थोड़ा वीक सा भी है, छोटा सा वीक। अगर मैं यहाँ पर किस तरीके से एक ओपनिंग बना लूँ दीवार तोड़ के, उसके बाद घुस के इन सबको मारने में मेरे लौंडों को बहुत कम टाइम लगेगा। पर ऊपर की साइड पे ये जो आर्चर्स हैं ये दो दो हैं, और साथ में आई गेस यहाँ पर एक गुब्बारा तोड़ने वाला भी तुम्हारे जो बैलून कलेक्टर्स हैं इनको भी पंगा हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी कि आर्चर्स तो मरें, उसके बाद एक गुब्बारे वाले का काम हो जाए। अगर हम लोग किस तरीके से इतना कर दें तो बाकी तो अपने लौंडे कर ही देंगे। अब वैसे तो भाई यहाँ पे मैं अपने क्लैन से हेल्प मांग सकता हूँ, पर मेरा क्या है कि यार देखो मैं भले चलो हार गया उससे कोई नुकसान तो होता नहीं है ना, तो एक बार रिस्क लेने में ट्राई करने में क्या जा रहा है। मतलब इतना डर के ज़िंदगी में रहोगे तो कहाँ ही पहुँचोगे मेरे भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं रिस्क है तो इश्क है, तो एक काम करते हैं युद्ध पे तो जाएंगे है ना। ज़रा मैं अपने ट्रूप्स के आने का वेट करता हूँ। अबे यहाँ भी डोनेशन मांग रहे हैं, ये हर जगह डोनेशन मांग रहे हैं भाई, स्कूल कॉलेज यहाँ पे गेम में भी डोनेशन मांग रहे हैं, इनकी वैन की मजे ही मजे। कोई बात नहीं, हमारे एक बार सारे के सारे लौंडे आ जाएं, फिर चलते हैं क्लैन वॉर की ओर। आ जाओ देखते हैं क्या होगा, जहाँ से तो हार जाएंगे, जहाँ से ज़्यादा हार जाएंगे। कोई बात नहीं यार, गेम ही तो है, कौन सा कोई भी भाई, तो पैसे किसी से खर्च हो रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कर लेते हैं यार। बाकी जगह मैं तो वैसे ही भाई अभी इतने अच्छे लेवल पर नहीं हूँ, तो भाई जो मुझसे ऊपर के लेवल के क्लैन में भाई वो तो वैसे ही जीती रहे, तो मुझे इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। हम मैं देखो भाई मेरा ये मानना है कि जितना खेलोगे उतना सीखोगे। अब मेरा दिल कह रहा है कि शायद हम लोग यहाँ पर एक दीवार तोड़ दे तो जल्दी मार देंगे है ना, तो ट्राई करते हैं। 10 के 10 जायंट्स भेजूंगा दीवार के उस तरफ जहाँ पे वो आर्चर खड़ी हुई है। 10 के 10 जो हमारे जायंट्स हैं भाई, कम से कम दीवार तो जल्दी तोड़ ही देंगे। एक बार हमको वो ओपनिंग चाहिए, एक बार ओपनिंग मिल जाए उसके बाद तो सालों को ऐसे लपेट देंगे। अबे क्या था ये भाई साहब, 5 सेकंड के अंदर भाई साहब दुनिया यहाँ से वहां कर दी। दोस्तों काफी ये मत समझना आपके सिर में डर गया है, नहीं हमारे शरीर में भाई साहब सूर्य का खून दौड़ रहा है, हम डरते नहीं है। लेकिन हालांकि अगर मैं शीतल होती तो मैं शीतल से लड़ लेता, लेकिन कोई बात नहीं। देखो एक चीज तो हमको पता लग चुकी है, हमारे भी जो लौंडे हैं ये क्लैन वॉर के लायक तो नहीं है, तो हम लोग इससे अच्छा कि भाई दूसरों से ट्रूफ्स मांगे रहने ही देते हैं। मतलब मांग सकते हैं, लेकिन यार जो खुद से जीतने में मजा है ना यार, वो फिर दूसरों से यार ऐसे ट्रूफ्स लेने में मजा है, मैं नहीं मानता भाई मजा ऐसा। कोई बात नहीं, तोड़ेंगे तो भाई अपने हिसाब से तभी मजा आएगा। हालांकि हमारे क्लैन में किसी को हेल्प चाहिए होगी तो भाई मैं यहाँ पे इनको रीइंफोर्समेंट भेज देता हूँ। उसे धक्का मार के बाहर फेंक दिया था बार्बेरियन को। एक बात है भाई देखो, क्लैश ऑफ क्लैंस से मजा आता है, बताया क्यों? क्योंकि देखो हम लोग इंसान है, ठीक है भाई। अब इंसानों को क्या है कि हम लोगों को भाई कलेश मारपीट ये सब पसंद आता है, और यही रीज़न है कि इंडिया में भाई बिग बॉस चलता बहुत है ना। तो क्लैश ऑफ क्लैंस से भी आप लोग करके आ रहे हो एक तरीके से, आप लोग दुश्मन का बेस तोड़ रहे हो, तो जैसे जैसे उनका बेस टूटता है आपको वो मजा आता है।
समझ रहे हो, वो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो आपका बढ़ता है। तो इनडायरेक्टली चीज़ वही है कि दूसरों का घर टूट रहा है तो आपको मजा आ रहा है। काफ़ी गहरी बात बोल दी मैंने वैसे। आ जाओ, अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें कि गेम का टॉप प्लेयर कौन है, टॉप क्लैन है, टॉप प्लेयर भी है। ये देखो भाई, क्लैंस देखो तुम भाई, ये टॉप लेवल क्लैन भाई, 61,000 ट्रॉफी भाई। ये देखो टॉप प्लेयर 6375। अगर हम लोग यहाँ पर जाके इसका विजिट करें, इसका बेस यही है क्या है भाई? अबे ये कैसा बेस है इसका बे? पर मुझे लग रहा है कि ये हम लोगों को ना बेस देखने में लग रहा है आसान सा, कोई जब यहाँ पे हमला लगा तो कुत्ता बन जाएगा, पक्का यही होगा बता रहा हूँ अभी मैं। छोड़ो भाई छोड़ो, ये तो भाई ज़्यादा ही सुपर से भी ज़्यादा ऊपर का मामला लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें कि सेकंड टॉप प्लेयर जो है उसका बेस कैसा है, वहाँ देखते हैं। ये क्या है उसकी भैंस की आँख, ये क्या हो रहा है? अबे ये कौन से ड्रैगन है? ओए अबे इसकी दीवार चमक रही है सोने सी। एक मिनट, तो राजा वजा कहाँ है बे? अबे तोप अब लगा रखी है, चिड़िया उड़ रही है भाई। और क्या है और क्या है? अबे गोलम घूम रहा है। आई एस ये गोलम इसका राजा होगा, इसे स्किन लगा रखी है, हाँ ताज पहन रखा है ना बेटे। देख रहे हो लेवल, देख रहे हो ये होते हैं बेस। मतलब देख के आपको ऐसे अंदर से मतलब झुरझुरी हो जाए कि भाई क्या है जैसे दूसरे क्लास का बच्चा हो। चलते हैं डायरेक्टली अगले महान बैटल की ओर बॉयज। सीनोजोन वर्सेस बैड। बेटा इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। चल बेटे, लेंगे तो हम लोग यहाँ पे जायंट ही, और स्ट्रेटेजी होगी आर्चर को तोड़ना, और वहां से भाई इसका मशीन भी है। अब ठीक है, जायंट मर सकता है। अबे पहले कैनन को मारना। मर जाएगा यार ये तो, नहीं मार पाएगा। हट बे पागल कहीं का। अबे मुझे एक चीज बताओ, इतनी अकल तो इनमें होनी चाहिए ना कि जो चीज इन पे हमला कर रही है पहले उसको मारो, पहले आर्चर को, वो टेरेंट को, और वो जो बिजली का टावर था, कैनन थे, पहले इनको मारो ना, फालतू की चीजें तोड़ रहे हैं। जायंट सही करता है भाई, जायंट पहले अटैकिंग यूनिट्स पे हमला करता है। और मुझे लगता है शायद डिविजन गेम में ऐसा ही है कि गॉब्लिंस और बारबेरियंस ये साइड की चीजें तोड़ने के लिए ही हैं, और जो अपना जायंट है ये मेन आइटम तोड़ने के लिए। सनी पाजी के धरंदर लौंडे हैं जायंट्स, देसी का डब्बा खाते हैं 1 किलो के भाई साहब, और इनका यहाँ पर हर एक हाथ 2.5 किलो का है बेटे, स्पेशल ट्रेनिंग का नतीजा है। लेकिन हम भी यहाँ पर गोल्ड एलिक्सर के साथ काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं, और 2,00,000 कुछ हमारे पास यहाँ पर एलिक्सर हो चुका है, यानी कि हम लोग शायद टाउन हॉल को जल्दी ही अपग्रेड कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बॉयज यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते रहे, फुल ऑन प्यार एंड सपोर्ट बरसाते रहे आपके अपने जीनो भाई का मेरे भाई, और साथ में हम लोग यहाँ पर अगले बैटल। भाई देखो गेम में जो मजे हैं इस गेम में वो बैटल में ही है भाई, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे मारोगे और कितना तबाही बचा सकते हो भाई, गेम का नाम होना चाहिए मैं बचाऊंगा तबाही।
ऐसे ही। अरे ओ भाई वॉच लिखाएंगे लाइव, कोने में हमला कर रहा है। अबे यार देखो इसने हमला किया था मेरे बेस के ऊपर और ये जीत गया। अच्छा कोई तुम्हारे बेस हमला करे वो भी हम लोग दे सकते हैं। अरे भाई अब यहाँ पर रिवेंज का आएगा है ना, पर रिवेंज है देखो हम रिवेंज भाई। आपका सिनो भाई इतना मासूम प्यासा भाई भोला सा इंसान, मतलब हम लोग रिवेंज लेंगे यार। नहीं 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 यार तोड़ दूंगा सारा। हमसे पंगा लेगा वो तो मैं भी गेम में थोड़े अच्छे लेवल पर नहीं आया, वरना उठा उठा के बेल लेता सारी पाजी की कसम। यहाँ देखते हैं भाई। अच्छा ये है वो रॉकेट और बिजली का तार, ठीक है, यानी कि हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं अभी बेस के मामले में। हम लोगों की रैंक जो है वो अच्छी है, पर उस रैंक के हिसाब से हम लोगों का बेस का डेवलपमेंट वो नहीं हुआ है अभी। ये बात है, समझ गया। कोई ना, हम लोग जरा चेक करते हैं कि अगला लौंडा कौन है जो हमसे युद्ध कर पाएगा। और गाइस आई गेस ये हम लोगों के इस वीडियो का लास्ट बैटल होने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एकदम इंटेंस मामला रहे। एक आर्चर वहां पर है, एक कैनन वहां पर है, ये तो इजी लग रहा है। आर्चर तोड़नी है फिर गुब्बारे भेजने हैं, गेम खत्म। क्योंकि इसके बेस में भाई हम लोगों को यहाँ पर कुछ गुब्बारे तोड़ने का नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आर्चर तोड़ना है, गुब्बारे भेजने हैं, सिंपल। आ जाओ आक्रमण चमुंडा। तबाही मचा दी एकदम, मजा आया था तबाही मचाते ही। नाइस भाई भाई भाई, लेकिन अभी हम लोगों को भाई यहाँ पर अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ऐसे काम चले। हम लोग को भाई विजर्ड चाहिए भाई। नहीं नहीं नहीं, विजर्ड से हम लोगों को काफी फायदा होगा। प्लस जैसे हम लोगों के पास हो जाएंगे यहाँ पे भाई 500 जेम्स, फिर हम लोग यहाँ पे एक और नई तीसरी बिल्ड रेट बना सकते हैं। उस बिल्ड रेट को बनाते ही हम लोगों को 500 जेम्स वापस भी मिल जाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज होती है। बेस से ही करना है अभी हम लोगों को। प्लस मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोगों की एलिजर की तो अभी रिक्वायरमेंट ठीक है, हम लोगों का जो गोल्ड है वो उस रेट से नहीं आ पा रहा जिस रेट से मैं चाहता हूँ, तो देखते हैं यार क्या सीन होता है। साथ में यहाँ पर ये मांग रहा है डोनेशन के लिए, तो एक काम करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर एक बैलून वाला कार तो भेज ही सकते हैं, तो मैं लगाता हूँ इसको ट्रेन पर, ज़रा एक गुब्बारे वाला लौंडा हमारा, और जैसे ही हो जाएगा फिर मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा। और इसके बाद हम लोगों का भाई यहाँ पर जो बिल्डर्स वाला बेस था वहाँ पर भी हम लोगों को पिटिशन करनी पड़ेगी। ये देखो मैंने भेज दिया यहाँ पे इसको रीइन्फोर्समेंट का, देखना अभी अब वो गुब्बारा जो हम लोगों का ना वो जा रहा होगा इसके बेसिस पे, दिखाऊँ आप लोगों को। ये देखो जा रहा है, अभी एकदम से गायब हो जाएगा देखना। ये बन जा मिस्टर इंडिया, मैं बनना। ये देखो अब सीधा वहाँ पहुँच गया, अब ये करेगा यहाँ पे भाई बैटल में उसकी हेल्प, और धीरे धीरे फिर यहाँ पर ऐसे जो है चीज़ें चलेंगी बढ़िया वाली। पर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे खेलेंगे अपने स्टाइल के अंदर, थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन करते रहेंगे, मजे आते रहेंगे। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा भाई धमाकेदार बैटल्स में। लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से फुल ऑन प्यार एंड सपोर्ट बरसा दीजिए एकदम भाई, सब मजे आ जाने चाहिए। और अगर आप लोग करना चाहते हैं हम लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट, तो भाई ले सकते हैं आप लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप। ज्वाइन बटन जो है वो मिलेगा आप लोगों को सब्सक्राइब बटन के साथ में, उसको टैप करना है। आप लोग ले सकते हैं अपनी पसंद की मेंबरशिप, सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर देकर आप लोग कर सकते हैं हम लोगों को भाई यहाँ पर और भी ज्यादा मोटिवेटेड। एंजॉय करते रहिए, बेस को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली जायंट के भरपूर मोटे मोटे हाथों की गेम प्ले के साथ।